हे एवरीवन, इट्स मी हसन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, रिक्वेस्ट तो हमें काफ़ी टाइम से आई हुई थी और रिपीट भी हो रही थी, लेकिन द थिंग वाज के लिंक का इशू होता था। वो लिंक कमेंट सेक्शन में डालते थे, वो स्पैम हो जाती थी, हम तक पहुँचती नहीं थी। तो अब हमने फिर ये सोचा कि हम अपनी मर्ज़ी से ही एक वीडियो सर्च करते हैं। और उन्होंने जो टाइटल भेजा था, वो लिखने पे पहला पहला जो वीडियो आया है पेज पे, मैंने वही सेलेक्ट कर लिए। और वो है जनाब, ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ आरएसएस। तो आरएसएस पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही फेमस है, मतलब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या फिर मौलवी हजरात हैं या फिर एंकर्स हैं, वो इसको बहुत याद करते हैं, इस पार्टी को, और प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन हम देखते हैं जी, वीडियो देख के पता लग जाएगा कि ये पार्टी क्यों बनी, इसका क्या मकसद था और अभी इसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। देयर्स अ बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, दबा दीजिए। हिस्ट्री की मिस्ट्री। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसके नाम मात्र से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाती है। भले ही आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई हो, लेकिन इसकी जड़ें और भी पहले से तलाशी जा सकती हैं। आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलराम हेडगेवार थे। हेडगेवार का जन्म नागपुर में हुआ था और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वे नागपुर से कलकत्ता आए थे। मेडिकल स्टूडेंट थे। इसी दौरान वे क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति के संपर्क में आए और उनके सदस्य भी बने। इस दौरान हेडगेवार जेल भी गए, लेकिन कुछ समय बाद वे बाल गंगाधर तिलक के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए और काफी समय तक कांग्रेस के साथ काम करते रहे। लेकिन 1917 में तुर्की के खलीफा की कुर्सी छीने जाने के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई और गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। वहां से अलग हुए। डॉक्टर हेडगेवार को कांग्रेस द्वारा खिलाफत आंदोलन से जुड़ने वाली हर बात परेशान कर रही थी। सही। क्योंकि उन्होंने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति माना। हालांकि नाराजगी के बाद भी हेडगेवार कांग्रेस का हिस्सा बने रहे और उन्होंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, यहां तक कि आरएसएस की स्थापना के बाद भी कांग्रेस से जुड़े रहे। लेकिन इस घटना के बाद हेडगेवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने मन बना लिया था कि वह एक ऐसी संस्था का निर्माण करेंगे जो हिंदू हितों को लेकर चले और आगे बढ़े। और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से ही की। कहा जाता है कि शुरुआत में हेडगेवार को सुनने के लिए केवल 12 लोग ही पहुंचे थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया और एक वक्त ऐसा भी आया जब हजारों की संख्या में लोग हेडगेवार के विचारों से प्रभावित होने लगे थे और अब संघ की स्थापना का रास्ता साफ होते नजर आ रहा था। हेडगेवार के लिए यह काम इतना आसान नहीं था, कई सारी समस्याएं थी। कहा जाता है कि हेडगेवार ने खुद शाखा लगाना शुरू किया। शाखा में योग, सूर्य नमस्कार, लाठी प्रशिक्षण के साथ साथ बौद्धिक चर्चा को भी शामिल किया गया। ओके। धीरे धीरे हेडगेवार की विचारधारा से प्रभावित होकर काफी अधिक संख्या में लोग शाखा से जुड़ने लगे और शाखा में आने वाले लोगों की संख्या कई गुना बढ़ती गई। अब समय आ गया था जब हेडगेवार ने आरएसएस को एक औपचारिक रूप देने का सोचा और हेडगेवार ने साल 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन संघ की नींव रखी। ओके। 1925 धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई इलाकों में संघ ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए और महाराष्ट्र के साथ साथ मध्य भारत में भी संघ का विस्तार हुआ। संघ में सक्रिय सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर अभी भी संघ का कोई खास अस्तित्व नहीं था। महाराष्ट्र के बाहर पैर पसारने का मौका तब मिला जब डॉक्टर हेडगेवार 1930 के आसपास बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी पहुंचे और पंडित मदन मोहन मालवीय ने संघ के कार्यालय को बीएचयू परिसर में स्थापित करने की अनुमति दे दी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हेडगेवार की मुलाकात एमएससी की पढ़ाई कर रहे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर से हुई। गोलवलकर बीएचयू में पढ़ाते भी थे, इसलिए उन्हें गुरुजी भी कहा जाता था। गोलवलकर हेडगेवार के जरिए ही आरएसएस के सक्रिय सदस्य बने, लेकिन 1940 में हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है और सर्वसम्मति से आरएसएस की कमान
माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को सौंप दी गई। सही। गोलवलकर के नेतृत्व में आरएसएस का विस्तार दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और लाहौर के साथ साथ समूचे देश में हो रहा था। लेकिन संघ में सभी वर्ग के लोग नहीं जुड़े थे। दलित वर्ग इस संगठन से बिल्कुल अलग था। फिर भी संघ का विस्तार व्यापक पैमाने पर हाजा उंगलियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हुआ। आरएसएस पे तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने आरएसएस के प्रतिबंध पर आपत्ति जताई तो दूसरी तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि आरएसएस पर हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए। लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और जुलाई 1949 में आरएसएस पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। दो साल के लिए हटा दिया गया हो, लेकिन 18 जुलाई 1948 को सरदार पटेल ने हिंदू महासभा के सदस्य और अपने ही कैबिनेट के मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र का कुछ अंश इस प्रकार है। मेरे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का कट्टरपंथी धड़ा महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियां राज्य और सरकार के लिए साफ खतरा है। वल्लभ भाई पटेल के यह शब्द ही यह समझने के लिए काफी हैं कि यह संस्था अपने आरंभ से ही अलग तरह के विवादों और समस्याओं को खींच रही थी और आज भी लोग इस संस्था के पक्ष या विपक्ष में खड़े देखने को मिल जाते हैं। आरएसएस के जन्म पर अभी के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरएसएस के लिए अभी के लिए आपने इतना ही कहा है। ओके, इन्फॉर्मेटिव था ये। ओरिजिन ज़रूर इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि मतलब फाउंडेड जो पर्सनैलिटीज थी जिन्होंने ये फाउंडर्स बेसिकली जो थे वो कौन थे और कहाँ पे फाउंड किया गया इसको, किस तरह से इसको इसमें जो है ना लोग ज्वाइन हुए और किस तरह से जो है ना फैलाव हुआ इसका। यानी 1919 में जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई थी आपको याद होगा, और मतलब लेना ना देना हिंद पूरे हिंद और बरसगीर हम कह लेंगे पूरे बरसगीर के मुसलमानों का, क्योंकि अगर ऐसा कुछ था ऐसी अटैचमेंट थी तो जो खलीफा थे इतना मुझे पता है कि अब्दुल हमीद जो थे खिलाफत जब तक उनके पास थी तब तक तो उन्होंने बड़ी कोशिशें की थी कि किसी तरह जो है ना हिंद पे से ये अंग्रेज़ों का कब्ज़ा ख़त्म हो। लेकिन जब उनके भाई आए और अब्दुल हमीद को उनके महल से निकाला गया था वर्ल्ड वॉर के बाद, जब जीत गए थे सब पार्टीज़ तो उनको जिस तरह से निकाला गया और उनके भाई को जिस तरह से लगाया गया और किस तरह से फिर हमने देखा कि खिलाफत ख़त्म हुई, यानी एक विदाउट रेजिस्टेंस जो ख़त्म हुई थी। तो फिर मतलब जब टर्की के जो बेसिकली लोग थे उन्होंने निकाला था, वो निकले नहीं खिलाफत के लिए और हिंद में मूवमेंट चल रही है, बड़ी अजीब सी बात नहीं लगती आपको ये? बहरहाल उसमें जब गांधी जी आए तब उन्हें महसूस हुआ कि यार ये तो मतलब हमारे लिए भी होना चाहिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट। उसके लिए उन्होंने आरएसएस बनाई और उसको एक नाम नहीं दिया, नाम उन्होंने दिया शायद 1925 में जाके। और फिर उनकी जब मुलाकातें हुई 1940 में, जो फाउंडर थे बेसिकली उनकी डेथ हो गई, उसके बाद से मैं ये कहूँगा कि फाउंडर जो होते हैं ना जब तक वो मौजूद हो तब नज़रियात कुछ और होते हैं, तब तक हमने देखा कोई ना एग्रेशन नज़र आया। लेकिन 1940 के बाद जो आरएसएस थी उसमें जो है ना वो फिर कंट्रोवर्शियल होती गई, मतलब जैसे जैसे फैलाव होता है आपको पता है हर तरह के माइंड का इंसान आपको फिर ज्वाइन करता है और उसके उसकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो फिर पूरी पूरे आप कह लें ग्रुप की ऊपर उसका नाम आता है। तो जैसे उन्होंने गांधी जी का मर्डर किया तो हमने ये भी सुना कि शायद गांधी जी जो थे वो पाकिस्तान आने वाले थे, यानी यहाँ पे भी जो जो माइनॉरिटीज़ थी जिस तरह से उनके लिए उन्होंने बात की थी कि मैं पाकिस्तान भी जाऊँगा, तो शायद इसी चक्कर में उनकी उनका मर्डर हुआ था। लेकिन इसके बाद लोगों को हुआ कि आरएसएस खतरा है, जो कि हमने फिर वल्लभ भाई पटेल जो हैं और नेहरू जी हैं उनकी हमने देखा पढ़ा।
लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, देखें किसी इंडिविजुअल के एक्टिविटीज़ को पूरे ही ग्रुप के ऊपर डाल देना, ये थोड़ी सी अजीब बात है कि नहीं? अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाती, हो सकता है बड़े बड़े नाम सामने आते जो गांधी जी को हटा के उनकी सीट पे आना चाहते थे, क्योंकि नॉर्मली ऐसा यही होता है कि करता कोई है और नाम किसी का आता है और बढ़ता कोई है। क्या सोचते हैं आप इस बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और हमें मज़ीद तरह तरह की वीडियोस सजेस्ट कीजिएगा। सी यू गाइस।